पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में हर जगह अराजकता का माहौल फैला हुआ है। खबरें ये भी आ रही हैं कि हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में भारत देश के कई छात्र छात्राएं भी बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें से एक मुरादाबाद की आंचल सैनी है, जो कि बांग्लादेश के गाजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है, और इन सब के बीच हाल ही में इंडियन एम्बेसी की मदद से भारत देश वापस लौट पाई है। एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने बांग्लादेश में हो रही अराजकता के माहौल के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि करीब 7 दिन तक उनके माता पिता से उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। छात्रा ने बताया कि कैसे भारत सरकार की मदद से वो भारतीय छात्र छात्राओं के साथ अपने देश वापस लौट आई है। इस पर उसने खुशी का इजहार किया है और सरकार की तारीफ की है। मेरा नाम आंचल सैनी है। मैं बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूँ, गाजी मेडिकल कॉलेज खुलना बांग्लादेश। वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, बिकॉज 70% जो सीट थी वो गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर के लिए कर दिया था और 30% आम जनता के लिए। उसके वजह से स्टूडेंट को गुस्सा आया, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। देन फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो चुकी थी, फिर कॉलेज स्कूल सभी बंद हो गए थे। हम लोगों का 18 को एग्ज़ाम था, वो भी पोस्टपोन कर दिया था। फिर उसके बाद पूरा हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया। फिर सीनियर्स ने, हम कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने पेरेंट्स से। सीनियर्स ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हाँ, हमें इंडिया वापस भेज दीजिए, पर टीचर्स मान नहीं रहे थे कि नहीं, अभी आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। बाहर की स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर उसके बाद हमने ज़्यादा फोर्स किया टीचर्स को। फिर देन इंडियन एम्बेसी ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडियन बच्चों को वापस भेज दीजिए। देन फिर उसके बाद 22 को प्रिंसिपल हमारे हॉस्टल आए। देन प्रिंसिपल ने बोला कि आप इंडिया वापस जा सकते हैं। 23 की सुबह में 9:00 में हम निकल गए थे वहां से। फिर उसके बाद इंडियन एम्बेसी की वजह से ही हम वापस आए। तो वहीं छात्रा के माता पिता का भी कहना है कि बहुत खुशी की बात है कि उनकी बेटी वापस आ गई। उनका कहना है कि उनकी बेटी बांग्लादेश में पढ़ाई कर रही थी, वहां पर झगड़ा शुरू हो गया। लगभग 1 हफ्ते तक हमारी बच्ची से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। बहुत डर सा था, बहुत परेशान थे हम लोग सब, बच्चे भी, और क्या कहते हैं, हम ज्यादा ही परेशानी दिखाई दे रही थी। कैसे बात हो पा रही थी? बात तो हो ही नहीं पा रही थी, तो और भी ज्यादा परेशानी लग रही थी। बात होती तो परेशानी ना दिखाई देती। फिर उसके बाद में थोड़ा बात करी थी वहाँ पे कलकत्ते से जब थोड़ा सावधान हुआ, उन्होंने बतलाया कि कोई परेशानी नहीं है बच्चों को, बच्चे तुम्हारी सेव हैं, और 2-4 दिन में लड़ाई बंद हो जाएगी, स्कूल खुल जाएंगे, और क्या कहते हैं, बच्चे पढ़ने जाने लगेंगे। तो फिर उसके बाद में लड़ाई बढ़ती रही, हमें और परेशानी हुई। फिर और करा फोन, तो उन लोगों ने हमारे बच्चों को भेज दिया। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चे घर पे आ गए, तो हमें बहुत दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा सा लगा कि बच्चे हमारे घर पे आ गए। तो टेंशन तो थी कि बच्चे? हाँ, टेंशन तो पूरी थी, मगर अब सही है सब। बच्चे से जब बात नहीं हो रही थी तो बहुत परेशानी दिखाई दे रही थी। कितने दिन से बच्ची वहाँ पर थी? 1.5 साल हो गया लगभग। क्या नाम है आपका? रामकिशन सैनी। आपकी बेटी बांग्लादेश पढ़ने? हाँ, चल सैनी बांग्लादेश एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। क्या हुआ? वहाँ पर झगड़ा स्टार्ट हुआ। झगड़ा स्टार्ट होने के बाद में लगभग 1 हफ्ता हमारी बच्ची से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया था। दिल में बहुत ऐसा लग रहा था कि बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। फिर हमने यहाँ कलकत्ते जो एजेंट है, इन्होंने एडमिशन कराया था, इनके माध्यम से हमने संपर्क करा। ये कहने लगे, बोले आपके बच्चे सुरक्षित हैं, खाना मिल गया आपको, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं मानना था।
तो उसके बाद में फिर हमने इनसे कहा उनके भाई हमारे बच्चों को वापस भेज दीजिए, लेकिन फिर हमारी जो गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट है तो इनकी सहायता से इनके सहयोग से हमारे बच्चे बाहर इंडिया वापस आए हैं। कितने दिन पहले आपको जानकारी हो रही थी कि वहाँ पर ऐसा? नहीं, उस टाइम पे लगभग एक हफ्ते से तुम्हारी बात भी नहीं हो पाई थी। बच्चे अंदर बंद थे कॉलेज के अंदर, और स्कूल वालों ने ये कह रखा था कि आप बच्चे बाहर निकलोगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी, अगर अंदर रहो जिम्मेदारी हमारी होगी, ये उन्होंने हमसे भी कहा था। लेकिन हमारे बच्चे डर के माहौल में अंदर बंद थे, लेकिन खाना वो लोग दे रहे थे अंदर। लास्ट बार कब बात हुई थी? लास्ट बार हमारी बात हुई थी लगभग 17 तारीख में। तब सब कुछ ठीक था? नहीं, 17 तारीख में बहुत तगड़ा डर का माहौल था वहाँ पर ही, तो 17 तारीख में भी कट कट के बात हो पा रही थी, लेकिन बच्चे हमारे भी वहाँ बहुत तगड़े डर रहे थे। डर का माहौल था बच्चों के अंदर भी ये थे कि हमसे बात नहीं हो पा रही थी, और यहाँ पर मारकाट हो रही है कि बच्चे मतलब वीडियो यहाँ ऐसी ऐसी आ रही थी कि वो डरावनी वीडियो थी। घर का माहौल भी बदल गया होगा वहाँ पर? घर का माहौल क्या ऐसा लग रहा था कि बोले हमारे अच्छे अभी हम पहुँच जाए लेकर आ जाए। तो मैं तो बार बार यही कहूँगा, हमारे मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे बच्चों को बाहर निकाला। इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बहुत सहयोग रहा। इनका क्या सहयोग? इंडिया गवर्नमेंट का अगर सहयोग नहीं होता तो हमारे बच्चे यहाँ पर जाते नहीं निकल गए। इंडिया गवर्नमेंट अगर हमारा बच्चों को सहयोग नहीं करती तो बच्चे हमारे यहाँ पर नहीं आते निकल गए, वो आने नहीं दे रहे थे? आने नहीं दे रहे थे कॉलेज वाले। कह रहे थे बार बार, बोले 4-5 दिन लग जाएंगे, 4-5 दिन, एक हफ्ता लग जाएगा, एक हफ्ते के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आने नहीं दे रहे थे वो लोग। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।